हम इसे बराबर ही मेरे पाएं तो हमने ऐसे रखा है। मेरे तो सर यहाँ के तो ऊपर आगे सारे के और सारे तो डिस्कस बहुत कर रहे हैं सोचो अभी। यो सारे लोग गए थे ना घूमने तो मेरी बुआ के घर भी चले गए गलती से, उन्होंने बोला ले जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के दिन मैं हमारा जो रूटीन है उसका व्लॉग बनाऊंगी। गाइस अभी हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बने हैं परांठे और दूध और चाय। गाइस ये मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं यहाँ पे गरम गरम परांठे लेने के लिए। गाइस अब हम ब्रेकफास्ट करके रेडी होंगे और जाएंगे यूनिवर्सिटी, और आप मैं आपसे सीधे मिलूंगी यूनिवर्सिटी में। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं प्लांट पैथोलॉजी की फील्ड में। पुदीना है, पुदीने की बोला मैं, उन्हें पूछा बोला था कि एक बार पूछ लेना अगर होगा तो ठीक है। सुंदर लग रहा है और हमारी फील्ड इतने एफिड्स होते हैं यहाँ। हाय निकी, सो वी आर हियर इन द गार्लिक फील्ड गाइस। ऊपर ये सारे रेजिडेंस है जो भी दिख रहे हैं आपको टीचर्स के, और यहाँ पे ऊपर एक मंदिर भी है जो दिख नहीं रहा है। कर सकते हो इसको क्या, इसको कहीं तक अंदर फेडेड और बाहर डार्क मार्जिन होता था ना। हाँ, ये तो उल्टा है, ये तो ऐसा बैक्टीरिया में होता जो है। तुम्हें वही बॉडी वाटर सॉफ्ट है ना, सैंपल के लिए ना ये हेलो हेलो जैसा बनता है ना, ये वो है, ये बैक्टीरिया है दोनों सारे में बैठे हुए। ये वो है, ये बैक्टीरिया है सारे में। हां ये नहीं है, इसको कहता है बैक्टीरिया, मुझे भी लग रहा है क्योंकि बैक्टीरिया में सेंटर होता है नेक्रोटिक और येलो हेलो होता है उसके ऊपर। तो गाइस अभी तक हमें यही पता चल पाया है कि यहाँ पे एक रस्ट है और कुछ बैक्टीरियल सा लग रहा है यहाँ पर। ये तो रस्ट है जो ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ भी है। ये वाली बैक्टीरियल ग्रोथ है शायद, बट इसको भी हम कंफर्म करेंगे फिर वहाँ पर लैब में जाकर। ये मेरे सर के ऊपर सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। हम पैथो की फील्ड से आ चुके हैं, एंटो की फील्ड ऊपर से दिखाएंगे, शायद हम नीचे ना जाएं। उड़ीसा की फ्रेंड है, कैसी लगी हमारी यहाँ की नौनी की फील्ड? मुझे बहुत सुंदर लगी, मैं पहली बार इतना सुंदर व्यू देखती हूँ। पहाड़ के साथ फील्ड पहली बार देखी ना आपने? यस। लॉजी का यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं अभी, हमें क्लास भी जाना है कि यहाँ पे हाइव से सिराना का यहाँ पर है। और ये है फील्ड सामने, एंटो की फील्ड है ये आगे तक। और नीचे फील्ड है। गाइस एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की फील्ड के बाद अब हम आ चुके हैं फ्लोरिकल्चर फार्म में, जो कि गेट के बिल्कुल सामने है जैसे कि आप देख सकते हो ये। और अभी हम यहाँ पे इस पॉली हाउस में जाएंगे, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे अंदर। और ये देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है इन सकेलन से। आपको यहाँ पे इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स, बोनसाई और सक्यूलेंस ये सब मिल जाएंगे। ये आप पॉट खरीद सकते हो यहाँ से, देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा फ्लावर्स है। और इन फ्लावर्स के अलावा भी बाहर भी है फ्लावर्स जो हम आपको दिखाएंगे। और ये है वो बिल्डिंग जहाँ से आप सीड्स भी खरीद सकते हो, अगर आपने खरीदने हैं हाइब्रिड सीड्स भी मिल जाएंगे आपको फ्लावर्स के। जो मैंने आपको टूर दिया है यूनिवर्सिटी का, वो मैंने आपको ऐसे ही मतलब पूरी चीज़ें नहीं दिखा पाई थी क्योंकि एक बारी में वो कवर नहीं हो पाती। तो मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा दिखाऊंगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में आखिरकार क्या है, बहुत कुछ है। यहाँ पे भी पॉट्स है,
ये सारे सेल करने के लिए होंगे। यहीं पे हमारी क्लासेस होती थी। यहाँ पे ये देखिए काफी सुंदर है बैठने के लिए। और अब हम आज तो पक्का ही लेट हो रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी 6:36 हो चुके हैं। हम यहाँ गए थे गाइस, जो यहाँ पे मेन गेट लगी जो एक्सपेरिमेंटल फार्म है, यहाँ पे गए थे रोज़ गार्डन के अपोजिट बिल्कुल। और अब हम हॉस्टल जा रहे हैं। 2 hours later गाइस, अभी हम खेल रहे हैं कैरम, मैं और रितु खेलेंगे अभी, और जो हमारी तीसरी रूममेट है वो इवनिंग वॉक करने गई है। और ये देखिए गाइस, ये है हमारा जुगाड़, इस कंबल के ऊपर हमने इसे ऐसे डाला। हमारे पास स्टडी टेबल था बट मुझे लग रहा है इसमें इतना कंफर्टेबली हम नहीं खेल पाएंगे, तो ताकि हम इसे बराबर ही में रख पाएँ तो हमने ऐसे रखा है। इस कैमरे को मैं सेट कैसे करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट मुझे करना ही होगा। शायद मुझे अपने भगवान के सामने यहाँ पे ऐसे। 2 hours later मौसम ऐसा है ना गाइस, मौसम ऐसा है कि ना पता चल रहा है ना सर्दी है ना गर्मी है, देखा गया ना। लोग फैशन करने के चक्कर में पतले कपड़े पहन रहे हैं पर ठंड के मारे कम। एक्चुअली इन्होंने मुझे कैमरा मैन बना लिया बट मुझे नहीं बोला कि तू भी खेल आ के, दैट्स टू बैड ना, जिसकी वजह से मुझे दुख तो बहुत है। गुड लेस योर क्वीन हियर बैड वेस्ट सेल। और एक बार मेरी बुआ ने कैरम दिया और ना हम आ रहे हैं ना कहीं से, उसको बैन के ऊपर रखा ना और आधे रास्ते में कैरम ही गाड़ी छत से बैन के ऊपर बनी होती है वो टोली, बैन छोटी सी बैन नहीं होती है। यो सारे लोग गए थे ना घूमने तो मेरी बुआ के घर भी चले गए गलती से, उन्होंने बोला ले जाओ उसको, किसने खेलना बैल बैल सुना दिया। नो इट्स बैन बोलते हैं पहाड़ी लोग कुछ आगे। आप कहाँ से हो? मैदानी इलाकों से। गजब बेइज्जती है। दे मुझे पढ़ना बस बहुत हो गया। गाइस तो हमारा हो चुका है अभी गेम खत्म, रिफ्रेश हो गया हमारा माइंड पूरा का पूरा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और क्या बोलना चाहती थी मैं आगे, हाँ, और गाइज मैंने आज आपको फिल दिखाई। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं वैसे ही आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई है पूरे मतलब यूनिवर्सिटी के टूर में, तो वो मैं धीरे धीरे कवर करूँगी क्योंकि एक साथ वो चीज़ें कवर नहीं होने वाली है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा नाइट से ड्रीम्स, टेक केयर।